मैच से कुछ घंटे पहले घोषित की धोनी ने सीएसके की प्लेइंग 11 इस दिग्गज को मिलेगा टीम में पहली बार खेलने का मौका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्पोर्ट के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि धोनी के द्वारा घोषित की गई चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 में किस खिलाड़ी को पहली बार मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और साथ ही आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेस्ट फिनिशर मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग का यह मुकाबला मुंबई इंडियंस के साथ होने वाला है। यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग के लिए करो या मरो वाला होगा। चेन्नई सुपर किंग को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए थोड़ी बहुत उम्मीद बनाए रखना है तो बाकी बचे हुए मैचों को जीतना होगा। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस पहले ही प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले मैच में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चेन्नई सुपर किंग की टीम में प्रशांत सोलंकी को शामिल किया जा सकता है। प्रशांत सोलंकी एक लेग ब्रेक गेंदबाज है। हालांकि अभी तक सीएसके की तरफ से एक भी मौका उन्हें खेलने का नहीं मिला है। रविंद्र जडेजा के चोटिल होने के बाद चेन्नई सुपर किंग एक स्पिन गेंदबाज को टीम में शामिल करना चाहेगी और ऐसे में प्रशांत सोलंकी को मौका दिया जा सकता है। प्रशांत सोलंकी को टीम में शामिल करने पर रॉबिन उथप्पा को टीम से बाहर किया जा सकता है। रॉबिन उथप्पा ने अब तक इस सीजन में केवल 2 ही अर्धशतक जड़े हैं और उनका बल्ला खामोश रहा है। चेन्नई सुपर किंग इसी एक बदलाव के साथ मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैदान में उतरेगी। वहीं चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे, शिवम दुबे, अंबाती रायडू, मोइन अली, एमएस धोनी, ड्वेन ब्रावो, महेश तिछड़ा, प्रशांत सोलंकी, सिमरजीत सिंह और मुकेश चौधरी को टीम में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों आज के अपडेट बस इतना ही। आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग मुंबई इंडियंस को हरा पाएगी या नहीं, आप अपनी महत्वपूर्ण कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आईपीएल से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।